नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये इकोनॉमी का पार्ट 6 है, के अंदर हम आज जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनओपी, पीआई और ओआई और सभी बैंकों की टैगलाइन और 2011 की जनगणना कैसे स्टार्ट हुई और इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों ये वीडियो RRB NTPC रेलवे ग्रुप डी SSC 10+2 और आपका CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल UP पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यह इकोनॉमी का भाग 6, इसमें देखते हैं GDP। दोस्तों GDP की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। किसी वित्तीय वर्ष में 10 देश की भौगोलिक सीमा के अंदर गुड्स एंड सर्विस को बाजार के मूल्य यानी कि GDP कहा जाता है। फिर आपका आता है GNP। GNP की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। GNP बराबर होता है GDP प्लस एक्स माइनस एम। एक्स और एम होते हैं दोस्तों भारतीय जो विदेशों में व्यापार करते हैं उनकी आय को एक्स माना गया है, और विदेशी जो भारत में व्यापार करते हैं उनकी आय को एम कहा गया है। इसी हिसाब से GNP बराबर होता है GDP प्लस एक्स माइनस एम। इसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, आगे आपका आता है NNP। NNP की फुल फॉर्म है नेट नेशनल प्रोडक्ट। NNP बराबर होता है GNP माइनस डेप्रिसिएशन, जिसे ह्रास कहते हैं। और आपका NNPFC इक्वल NI इक्वल NNP में से घटाकर अप्रत्यक्ष कर और आपका इसमें से माइनस कर सब्साइड टैक्स। FC जो होता है ये फैक्टरिंग कंस्ट्रक्शन यानी कि लागत मूल्य होता है। फिर आता है NOP, GDP माइनस डेप्रिसिएशन यानी कि ह्रास। निवल घरेलू उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। डिस्पोजल पर्सनल इनकम, इसमें से ये बराबर होता है PI माइनस डायरेक्ट टैक्स। PI बोले तो पर्सनल इनकम। दोस्तों ये मैं जो आपको प्लस माइनस बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बार पूछ लिया गया है कि NNP बराबर क्या होता है, ये ऑप्शन में पूछ लिए जाते हैं GNP माइनस डेप्रिसिएशन या GNP प्लस डेप्रिसिएशन ऐसे करके, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे आपका आता है ग्रीन GNP, ये बराबर होता है यूनिसेफ के, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। जो पहला देश था वो ऑस्ट्रेलिया था और 173वां देश था भारत। फिर आपका आ जाता है जनगणना 2011। दोस्तों ये जो जनगणना 2011 है इसका नारा क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, और इसकी विशेषता थी जाति आधारित 1931 और 2011। दोस्तों ये अनुच्छेद 246 के अंतर्गत आता है गृह मंत्रालय द्वारा, और इसका जो एक्ट है जनसंख्या एक्ट 1948 है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। और जो जनसंख्या दिवस है ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों 11 जुलाई तो काफ़ी बच्चों को पता है जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसका सन बहुत कम पता है, तो ये आपको ध्यान रखना है 11 जुलाई 1987 को जनसंख्या दिवस घोषित किया गया था। उसके बाद 1749 स्वीडन, 1790 USA 10 वर्ष के बाद, 1801 ब्रिटेन और 1872 ये भारत में प्रथम लॉर्ड मेयो के द्वारा ये जनगणना की गई थी, जो ये सन है इनमें। और जो दूसरी जनगणना हुई थी वो 1881 में भारत की लॉर्ड रिपन के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है कि 1872 में तो प्रथम जनगणना हुई थी मेयो के द्वारा और 81 में दूसरी रिपन के द्वारा, ये काफ़ी बार पूछ लिए गए हैं। फिर आपका आता है जनसंख्या दर कौन सी जनगणना के काल में घटी, तो ये 1911 से जब 21 के चक्र में हुई थी उस समय जनसंख्या दर घटी थी। और समान जनसंख्या दर जो थी ये 1921 से 51 में हुई थी, और जो उच्च जनसंख्या दर थी ये 1951 से 1981 के बीच में। बाल विवाह निषेध कानून कब बना,
ये 1929 में बना, और शारदा कानून ये 16 अप्रैल 1971 में। फिर आपका आ जाता है टैगलाइन। दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, तो ये देख लेते हैं। वैसे भी दूसरे एग्जाम में भी इनमें पूछ लिया जाता है। अलाहाबाद बैंक की टैगलाइन है ए ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। फिर आंध्रा बैंक, इसकी जो टैगलाइन है वो है मच मोर टू डू विद यू इन फोकस, या देशवासियों का बैंक। और बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। फिर बैंक ऑफ इंडिया, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। फिर आता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसकी है वन फैमिली वन बैंक। फिर आपका आता है कैनरा बैंक, इसकी टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। फिर आता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी टैगलाइन है बुल्ड ए बेटर लाइफ अराउंड अस। फिर आता है कॉरपोरेशन बैंक, इसकी है प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल। फिर आता है देना बैंक, इसकी टैगलाइन है यू ट्रस्टेड फैमिली बैंक, यानी कि योर ट्रस्टेड फैमिली बैंक। फिर आता है फेडरल बैंक, इसकी टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। IDBI, इसकी है दोस्तों आओ सोचे बड़ा। फिर आता है इंडियन बैंक, इसकी है टॉकिंग बैंकिंग टेक्नोलॉजी टू कॉमन मैन, या आपका अपना बैंक। फिर आपका आता है इंडियन ओवरसीज बैंक, इसकी टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विद। फिर आता है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, फिर आता है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इसकी टैगलाइन है वेयर एवरी इंडिविजुअल इज कमिटेड। फिर आता है पंजाब नेशनल बैंक, इसकी टैगलाइन है दोस्तों द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ये महत्वपूर्ण है। फिर आता है पंजाब सिंध बैंक, इसकी है वेयर सर्विस इज वे ऑफ लाइफ। फिर आता है सिंडिकेट बैंक, इसकी टैगलाइन है योर फेथफुल एंड फ्रेंडली पार्टनर। फिर आता है यूको बैंक, इसकी है होनर्स योर ट्रस्ट। फिर आता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसकी टैगलाइन है द बैंक दैट बिगिंस विद यू। फिर आपका आ जाता है विजया बैंक, इसकी टैगलाइन है ए फ्रेंड यू कैन बैंक अपॉन। बैंक ऑफ राजस्थान की टैगलाइन है दोस्तों टुगेदर वी प्रोस्पर। फिर आता है HDFC बैंक, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। फिर आता है ICICI बैंक, इसकी टैगलाइन है हम है ना। और J&K बैंक, इसकी टैगलाइन है सर्विस ऑफ एम्पावर। फिर आता है कोटक महिंद्रा, इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। फिर आता है कर्नाटका बैंक, इसकी टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, बाकी हमारे चैनल सेल्फ स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उसे सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे कि हम आपको इसी तरह की नई वीडियो समय समय पर उपलब्ध कराते रहे। और दोस्तों यदि आपको इससे पहले की या हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी और अन्य कोई वीडियो अगर GK की आपको देखनी है या हिंदी पढ़नी है तो आप दोस्तों हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। धन्यवाद।